गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, इट इज़ योर जीके क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 32। चैप्टर नेम इज़ अ गेम ऑफ बैडमिंटन, मीन्स बैडमिंटन एक खेल। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बैडमिंटन इज अ प्लेड विद अ रैकेट एंड अ स्पेशल फीडर शटल कॉक। बैडमिंटन जो है खेला जाता है कि एक रैकेट के द्वारा और एक शटल कॉक के द्वारा। इट कैन बी प्लेड इन अ कोर्ट, इन अ लॉन और इनडोर। यह खेला जा सकता है एक कोर्ट में, एक लॉन में और एक इनडोर भी खेलते हैं इसको। इट कैन बी प्लेड बाई टू पीपल्स और बाई फोर पीपल्स इन फॉर्मिंग टू टीम्स ईच विथ टू प्लेयर्स। यह दो पीपल्स, दो लोगों के द्वारा खेला जा सकता है और चार लोगों के द्वारा भी खेला जा सकता है, जिसकी टू टीम्स होती हैं और प्रत्येक टीम में टू प्लेयर्स होते हैं। देयर इज़ अ नेट इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट दैट डिवाइडेड द कोर्ट इंटू हाफ। बीच में जो कोर्ट होता है जिसे बोलते हैं, जहाँ पर ये बैडमिंटन खेला जाता है, उसे कोर्ट बोलते हैं। वहाँ बीच में एक सेंटर में एक नेट होता है जो कि डिवाइड करता है कोर्ट को हाफ हाफ पार्ट्स में। नाउ हेयर इज अ गर्ल एंजेलिना, इसे बैडमिंटन रैकेट कहते हैं। इट इज़ शटल कॉक। Now let's start. Angelina start the game by hitting the shuttlecock with her racket. She is the server. Angelina एक player है, player का नाम ले लिया है यहाँ पर। वो गेम को स्टार्ट करती है अपनी रैकेट से shuttlecock को हिट करके। वो की सर्वर है। Now this ये है आपकी बैक बाउंड्री। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द प्लेइंग एरिया। ये मार्क है कि जो प्लेइंग एरिया है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। नाउ दिस लाइन सेंट्रल लाइन, दिस लाइन डिवाइड्स द कोर्ट इनटू हाफ। ये जो लाइन है वो कोर्ट को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ हियर ये नेट है। Now the second girl, when the shuttlecock comes to Selena, she will hit it back to Angelina. She is the receiver. Second girl, जिसका नेम हमने लिया है यहाँ पे सेलिना। जब एंजेलिना शटलकॉक को हिट करती है अपने बैडमिंटन रैकेट से, तभी ये सेलिना के पास जाता है। सेलिना इसको अगेन हिट करती है, ये अगेन एंजेलिना के पास जाता है। शी इज़ द रिसीवर, ये वह रिसीवर है। इट इज़ लॉन्ग सर्विस लाइन। इन डबल्स मैचेस द सर्वर विल नॉट गो बियॉन्ड दिस एरिया। जब डबल मैचेस होते हैं तब जो सर्वर है वो इन जो एरिया है इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हियर आर सम फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिनकी पिक्चर्स दी गई हैं। कैन यू नेम दैम, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प कॉर्नर, यहाँ पर हेल्प कॉर्नर में नेम्स दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है उस बैडमिंटन प्लेयर के नेम को राइट करना है। फर्स्ट पिक्चर है पी गोपी चंद, सो यू विल राइट हियर द नेम। सेकेंड प्रकाश पादुकोण, थर्ड पी कश्यप एंड फोर्थ पी वी सिंधु। So I hope you all have understand this chapter. Keep practice of all exercise and learn also. Thank you.